नमस्ते, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांग बढ़तर यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में ज्वाइनिंग करने का कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से पहले स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक से ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। सपोज मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल जैसे बताया, पी पैच है ना, ये पैच का एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे हम किसी वर्ड से उसके स्ट्रोक को अलग करके ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसमें कैसे अलग करते हैं बताया था मैंने आप लोगों को अलग करना, कि देखिए यहाँ पे टी सी एच, यहाँ पे तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे च आ रहा है, यहाँ पे टी क्या है साइलेंट है, टी क्या है साइलेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है पी के बाद किसका हो रहा है, चे का हो रहा है, किसका हो रहा है, चे का हो रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, पी और चे का स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे। यही तो हमने किया था ना ज्वाइनिंग में, पी और चे ऐसे कुछ प्रैक्टिस किया था। तो हमने सिर्फ अभी तक ज्वाइनिंग प्रैक्टिस करना सीखा है, लेकिन अब हम क्या है धीरे धीरे एक एडवांस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, अपने वावल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है। अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करना ही नहीं सीखना है, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें और सीखनी होगी कि कम कैसे हम किसी पर्टिकुलर वर्ड में वावल को कैसे अटैच करते हैं, किसी स्ट्रोक में वावल को कैसे अटैच किया जाता है ना। ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरी हैबिट है कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस टॉपिक का थोड़ा सा क्या करता हूँ, रिविज़न करता हूँ। तो रिविज़न हम लोग कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं रिविज़न करना। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं डॉट वावल। ये देखिए ये डॉट वावल, कल जो मैंने चार्ट बनाया था ना, उसको अच्छे से याद कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, उसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये डॉट वॉवल कितने होते हैं, डॉट वॉवल सिक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए दैट पेन इज, पा मे वे, यही मैंने कुछ बताया था आप लोग को। फिर इस तरीके से कुछ मैंने कॉलम खींच दिया था, इस तरीके से कुछ मैंने कॉलम बना दिया था। ठीक, ये हो गया हमारा कॉलम। डिवाइड कर दीजिए इसको कुछ इस तरीके से, फिर इसको मैंने फिर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे नाम देना है मेरे को प्लेस, फर्स्ट प्लेसिंग, सेकंड प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग, राइट। फिर यहाँ पे मैंने बताया था शॉर्ट वावल साउंड किसको बोलते हैं, फर्स्ट नंबर के कॉलम को बोलते हैं शॉर्ट वावल साउंड, और सेकंड नंबर के कॉलम को क्या बोलते हैं, लॉन्ग वावल साउंड। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कल। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब देखिए शॉर्ट वॉवल साउंड को डिनोट किया जाता है डॉट से, लेकिन डॉट टू टाइप के होते हैं, डॉट भी क्या होते हैं टू टाइप के होते हैं, लाइट डॉट होंगे और होंगे दूसरे हेवी डॉट। लाइट डॉट कौन कौन से होंगे, जितने भी शॉर्ट वॉवल साउंड है ना वो सभी लाइट वॉवल की कैटेगरी, लाइट डॉट की कैटेगरी में आएंगे, और जितने भी लॉन्ग वॉवल साउंड होंगे है ना, ये शॉर्ट वॉवल साउंड, ये लॉन्ग वॉवल साउंड, मैंने इसको क्या किया एब्रीवेशन में लिख लिया है। ठीक है, जितने भी लाइट वॉवल साउंड होंगे वो आपके जितने भी शॉर्ट वॉवल साउंड होंगे वो आपके किस में आएंगे, लाइट डॉट में आएंगे, और जितने भी लॉन्ग वॉवल साउंड होंगे वो किस में आएंगे, हैवी डॉट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये लाइट डॉट और ये हैवी डॉट से इसको डिनोट कर दिया, ये हैवी डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, वो है कंडीशन, मतलब फर्स्ट प्लेस ये जो है हमारा, ये फर्स्ट प्लेस वॉवल साउंड, ये सेकंड प्लेस वॉवल साउंड, और ये थर्ड प्लेस वॉवल साउंड, शॉर्ट का अभी लॉन्ग का देखिए, पा आ ए और ये बड़ी की मात्रा। ठीक है,
ये शॉर्ट वावल साउंड, लॉन्ग वावल साउंड, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये था कि फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट होने वाले जितने भी वावल साउंड है उसको आपको कहाँ रखना है, अबव द लाइन। कहाँ रखना है दोस्तों, अबव द लाइन। सेकेंड प्लेस से स्टार्ट होने वाले, मतलब ये जो ए और ए से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे जिसमें ये वॉवल आएंगे, है ना, तो उसको कहाँ रखना है आपको, ऑन द लाइन। कहाँ रखना है, ऑन द लाइन। और जो थर्ड प्लेस के वॉवल साउंड है उनको आपको कहाँ रखना है, थ्रू द लाइन। कहाँ रखना है, थ्रू द लाइन रखना है। जहाँ पे आप लोगों ने ये चार्ट बनाया होगा वहाँ पे क्या कीजिए, इसके नीचे में इसके कंडीशन रख लीजिए, कंडीशन को ऐसे लिख लीजिए। ये क्या हो जाएंगे, इसके कंडीशन हो जाएंगे। किसके कंडीशन हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये कंडीशन हो जाएंगे वावल साउंड के, कि आपको लाइन पे कहाँ रखना है, लाइन पे अबव द लाइन रखना है, ऑन द लाइन रखना है, कि थ्रू द लाइन रखना है। थ्रू को कभी कभी हम, थ्रू को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, कट द लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट द लाइन भी बोलते हैं। और लाइन को कुछ नहीं है, जैसे आपकी कॉपी में जो सिंपल जो लाइन खींचे होते हैं ना, इसमें इसके प्लेसिंग डिसाइड होते हैं। कैसे डिसाइड होते हैं, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं। हाँ, पहले तो हम ये देखते हैं कि हम वॉवल कैसे अटैच करते हैं। चलिए इसको बता देता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइन है, तो लाइन में जैसे कि ये सपोज टी मैंने लिखा, ये टी है ना, तो ये जो टी है वो अबव द लाइन है, मतलब इससे स्टार्ट होने वाले जो साउंड है वो टी अबव द लाइन चला गया, ये ऑन द लाइन चला गया, और ये कहाँ चला गया, थ्रू द लाइन। तो ये कंडीशन बताते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लेसिंग, अगर कोई वर्ड अबव द लाइन स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो ए और आ का साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई वर्ड ऑन द लाइन है तो वो ए और ए के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई वर्ड थ्रू द लाइन है स्ट्रोक में, आउटलाइन में, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई और ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप हल्के हल्के फॉर्म में ऐसा समझिए, मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इरेज करना पड़ेगा एग्जाम्पल बताने के लिए, ठीक। यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने इरेज किया। अब देखिए, इसके पहले ना मैं क्या करूँगा, हर एक वॉवल के आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। क्या करूँगा, हर एक वॉवल के एक एक दो दो एग्जाम्पल बताऊँगा, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैं दूंगा, उसको आप लोग करके दिखाइएगा मेरे को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जो मैंने लिया था सबसे पहले एग्जाम्पल पैच का लिया था। क्या लिया था, पैच का लिया था, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम कैसे वॉवल को अटैच करना सीखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था इसके पहले, इसको ज्वाइनिंग कैसे करते हैं ये बताया था। अब मैं क्या बता रहा हूँ इसको, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज्वाइन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके वॉवल्स भी ध्यान रखना है कि कौन से प्लेसिंग का वॉवल है, कौन से प्लेसिंग का वॉवल है, 1 2 3 फर्स्ट प्लेसिंग, थर्ड सेकंड प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग, ऐसे इसको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, अब इसमें देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से प्लेस का वॉवल साउंड है। साउंड क्या निकल रहा है, पैच। क्या निकल रहा है, पैच, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसको हिंदी में लिख के दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा इसको कुछ, तो इस तरीके से लिखते हैं, पैच, है ना। अगर मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, वॉवल और कॉन्सोनेंट को अलग कर दूंगा, तो कैसे क्या निकलेगा, देखिए दोस्तों, ये निकलेगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से निकला, प ए और च, ठीक है। ये मेरे बताने का तरीका है, आपको नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा, आपको समझाने का तरीका है, ठीक है। पैच में ए का वॉवल निकल रहा है, देखिए ए का वॉवल निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ए का वॉवल कौन से प्लेसिंग में आ रहा है। ए का वॉवल जो आ रहा है वो फर्स्ट प्लेसिंग में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, फर्स्ट प्लेसिंग में आ रहा है। लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, फर्स्ट प्लेसिंग में आ रहा है, लेकिन फर्स्ट प्लेसिंग में आ रहा है, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है फर्स्ट प्लेसिंग का, अबव द लाइन। क्या है कंडीशन, अबव द लाइन। किसको अबव द लाइन लिखना है पता है आपको, आपको लिखना है पी को अबव द लाइन लिखना है। क्यों, क्योंकि जो ए का जो वॉवल है वो पी के ठीक बाद आ रहा है। ए का जो वॉवल आ रहा है किसके बाद आ रहा है, वो पी के, प के ठीक बाद आ रहा है ना। देखिए
मैंने आप लोगों को बिफोर आफ्टर करवाया ना, अगर यही वाउल साउंड अगर पहले आता तो हम पी के पहले वाउल को अटैच करते हैं, अगर वाउल साउंड बाद में आ रहा है तो हम बाद में अटैच करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, पी का बिफोर आफ्टर भी बताया है कि पी का बिफोर ये होता है, आफ्टर ये होता है। पी का फर्स्ट प्लेसिंग, सेकेंड प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग, फर्स्ट प्लेसिंग, सेकेंड प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, पी के आफ्टर आ रहा है, ये पी के आफ्टर आ रहा है, ठीक है, ये आफ्टर में वाउल आ रहा है ना, तो पी का आफ्टर ये हो गया और ये फर्स्ट प्लेसिंग हो गया। तो वाउल कौन सा लगेगा यहाँ पे, ए का वाउल लगेगा, और कौन सा वॉवेल है ये, लाइट वॉवेल है, कौन सा वॉवेल है ये, लाइट वॉवेल, और ये कौन सा वॉवेल है, हेवी वॉवेल है, कौन सा वॉवेल है, हेवी वॉवेल है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने पी लिखा, कैसे वॉवेल अटैच करते हैं, देखिए मैंने आपको कॉन्सोनेंट एक एक करके बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे लिखना है वॉवेल लगाना तो कैसे लगाएंगे, ए का साउंड है, लाइट डॉट में आएगा, किस में आएगा, देखिए लाइट, ये सभी लाइट डॉट में है ना, लेकिन फर्स्ट प्लेसिंग है, तो देखिए पी का आफ्टर का फर्स्ट प्लेसिंग, पी के बाद आ रहा है ना ए, तो पी के आफ्टर का फर्स्ट प्लेसिंग, यहाँ पर आपको लाइट डॉट लगाना है, क्या बन गया ये, पै बन गया, क्या बन गया, पै बन गया। आपको यहाँ पे क्या अटैच करना है, चे अटैच करना है, तो ये बन जाएगा पैच, ठीक है। लेकिन अब इसी वर्ड को आपको, इसी आउटलाइन को क्या करना है, लाइन पे लिखना है, क्योंकि आपकी कॉपी में तो लाइंस खींचे हुए हैं, इसी आउटलाइन को आपको अगर आपको अपने कॉपी में लिखना है, लाइन पे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पी बन गया और चे बन गया, यहाँ पे आप अपना डॉट का साइन लगा दीजिए, वॉवेल लगा दीजिए, ठीक है, साइन नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, वॉवेल बोलेंगे। ये लाइट डॉट मैंने लगाया क्योंकि पी के आफ्टर आ रहा है, पी के आफ्टर आ रहा है वॉवेल, तो मैंने क्या किया, पी के आफ्टर में वॉवेल लगा दिया और चे को सीधा नीचे खींच दिया। अब बहुत बड़ा जो ब्लंडर यहाँ पे बच्चे करते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक करते हैं, वो ये है, सर अभी आपने बताया कि ऐसे निकलने वाले वॉवेल साउंड फर्स्ट प्लेसिंग में होते हैं, और फर्स्ट प्लेसिंग का जो कंडीशन होता है वो होता है अबव द लाइन, तो आपने लाइन से काट के क्यों बनाया है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, पूछते हैं स्टूडेंट्स, पूछते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई आउटलाइन, अगर किसी वर्ड में कंटिन्यूसली टू डाउन स्ट्रोक है, फर्स्ट डाउन स्ट्रोक के बाद कंटिन्यूसली सेकेंड डाउन स्ट्रोक आता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डाउन स्ट्रोक के बाद कंटिन्यूसली सेकंड डाउन स्ट्रोक आता है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट वाले डाउन स्ट्रोक की जो वॉवेल साउंड है उसमें आपको फोकस करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही, जो फर्स्ट वॉवेल होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी प्लेसिंग डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पी क्या है, ये भी डाउन स्ट्रोक है, छे क्या है, ये भी डाउन स्ट्रोक है, क्योंकि टी तो यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे पी के बाद किसका स्ट्रोक बन रहा है, बनना है सीधा छे का स्ट्रोक बनना है, राइट। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया कि कंटिन्यूसली अगर टू डाउन स्ट्रोक आएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पी को अबव द लाइन रखना है, सारा फोकस किस पे रहेगा, पी पे रहेगा, है ना। और सारा वावल, अगर वावल के एटीट्यूड से देखेंगे, वावल के नजरिए से देखेंगे, तो पहला जो वावल साउंड है वो क्या है, ए का वावल साउंड है, तो अबव द लाइन किसको रखना है आपको, पी को अबव द लाइन रखना है और चे को थ्रू द लाइन कर देना है, किसको, पी को अबव द लाइन रखेंगे और चे को थ्रू द लाइन कर देंगे, देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से करना है। बहुत सारे बच्चे कैसे बनाते पता है आपको, बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसा भी बनाते हैं, पी ऐसा बनाएंगे फिर चे को ऑन द लाइन कर देते हैं, ऐसा भी करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है आप लोगों को, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ पी को अबव द लाइन रखना है और चे को थ्रू द लाइन कर देना है, और यहाँ पे डॉट का वॉवेल लगा देना है। आई थिंक इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया ए वॉवेल साउंड का, ठीक है। अब बता देता हूँ मैं आ का बता देता हूँ, ठीक है, आ का बता देता हूँ, इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। देखिए मैं टेबल को इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं आप लोग ना, तो आप लोगों को क्या है, बार बार टेबल को सामने में रख करके वॉवेल को मैच करके देखना होगा कि हम, अगर याद हो गया तो वॉवेल मैच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में क्या कीजिए, आप उस पर्टिकुलर पेज को सामने में रखिए और उसको देख देख के समझिए कि कौन से प्लेसिंग में कौन सा कंडीशन जम रहा है और आपको कैसे उसको लाइन पे सुटेबल अटैच करना है। अभी हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे, पाक एग्जाम्पल देखेंगे, तो पाक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, पाक एग्जाम्पल में लेते हैं पाथ, क्या एग्जाम्पल, वो पाथ, इसमें बाथ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे पाथ है ना, पाथ के एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पी के बाद एक वॉवेल आ रहा है आ, क्या वॉवेल आ रहा है, आ, ठीक है, ये प आ और ये थ, राइट, तब जाके क्या बना, ये पाथ बना बना। अब आपको देखना है पी के बाद आ रहा है, प के बाद आ रहा है ना, ठीक है, आ का फर्स्ट प्लेसिंग है, आ किस में आ रहा है, फर्स्ट प्लेसिंग में आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस का कंडीशन क्या बोलता है, अबव द लाइन बोलता है ना, तो इसको क्या करना है, आपने लाइन खींचा इस तरीके से,
लाइन आपको खींचने की जरूरत नहीं कॉपी में, यहाँ पे मेरे पास व्यवस्था नहीं तो मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ आपको। आपको पी बनाना है अबव द लाइन, क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है, अगर कोई डाउन स्ट्रोक के बाद कंटिन्यूअसली सेकंड डाउन स्ट्रोक आ रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट डाउन स्ट्रोक को अबव द लाइन रखना है, फर्स्ट डाउन स्ट्रोक को अबव द लाइन रखना है और आपको सेकंड डाउन स्ट्रोक को थ्रू द लाइन कर देना है। और वॉवेल कहाँ पर आना है बच्चों, यहाँ पर वॉवेल आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। क्यों क्यों यहाँ पे मैंने हैवी किया, इसको डार्क क्यों बनाया, क्योंकि आ का जो वॉवल साउंड है ये लॉन्ग वॉवल साउंड है, और लॉन्ग वॉवल में आपको डॉट क्या लगाना है, हैवी लगाना है। इस तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है और वॉवल्स को कॉन्सोनेंट में अटैच करना सीखना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसका लेंगे, पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। पेन अपने आप में एक एग्जाम्पल है ना, ये एक जो साउंड निकल रहा है इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डेल, ठीक है, डेल डेल इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए डी के बाद ए आ रहा है ना, डी के बाद ए आ रहा है तो ए का वॉवल साउंड सेकंड प्लेसिंग में आ रहा है, सेकंड प्लेसिंग का कंडीशन क्या है, ऑन द लाइन। तो आपको क्या करना है, डी को चुपचाप ऑन द लाइन करना है और एल को उसके डायरेक्शन में बना देना है। मैं अभी भी आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों का पीछे का कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और जिसको स्ट्रोक्स याद नहीं हुए हैं, वे स्टूडेंट्स है ना, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, पहले जा करके पूरे स्ट्रोक्स को याद करो, ज्वाइनिंग समझो। और मैंने जो रिकॉर्डिंग टेलीग्राम ग्रुप में जो सेंड किया है, पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में जो बनाया है मैंने सेंड किया है, उसको जा करके यार बार बार प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा अभी से इस वीडियो से कंटिन्यू स्टार्ट करना चाह रहा है ना, तो पहले सारे वीडियो पीछे के देखे फिर इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि स्लोली स्लोली आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन वो धीरे 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 कवर हो जाएगा, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात आप लोगों को बता दूँ कि अभी कुछ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो रे आर एल अप एल डाउन है ना, हे अप सॉरी हे डाउन और हे अप, इस टाइप के जो पैरलर अल्टरनेटिव फॉर्म्स वाले जो स्ट्रोक है ना, उसमें वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अभी सिर्फ और सिर्फ आप ज्वाइनिंग में फोकस कीजिए। इन सारे का हमारा ना बहुत अच्छा ना कॉन्सेप्ट है, कब किसको रे यूज़ करना है, कब आर यूज़ करना है, बड़ा बड़ा इसका चैप्टर है दोस्तों, सारा मैं आप लोगों को एक साथ करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य वो अपने साथ में लेके चलिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ विरेस, कहाँ से हम लोग डेल में थे, ठीक है, ये डेल बोलते हैं इसको, कई लोग डेल बोलते हैं, नहीं इसको डेल बोला जाता है, डेल हो गया क्योंकि शॉर्ट वॉवल साउंड में है, डी और एल के बाद में। देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या गड़बड़ करते हैं, दो बार एल आ रहा है तो बच्चे ये भी कर देंगे, सर दो बार एल आ रहा है हम दो बार एल बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ये पूरा साउंड का खेल है। तो यहाँ पे अगर साउंड एक बार निकल रहा है एल का, तो आपको एक ही बार ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने एक बार ड्रॉ किया उसके बाद क्या है, वॉवल लगाइए, है ना, वॉवल लगाइए इसमें। किसके बाद आ रहा है ई का साउंड, ये ई का साउंड किसके बाद आ रहा है, डी के बाद आ रहा है, डी के बाद आ रहा है मतलब आफ्टर आ रहा है, और आपको पता है कि डी का जो आफ्टर होता है ये वाला भाग होता है, और इसका जो सेकंड पेसिंग होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा डॉट लगा देना है, लाइट डॉट लगाना है, क्या बन जाएगा, ये डेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल बन जाएगा। ऑन द लाइन क्यों रखा मैंने, क्योंकि कंडीशन बुर रहा है, सेकंड प्लेस का जो वॉवल साउंड आएगा उसको हमेशा क्या रखना है, आपको ऑन द लाइन रखना है। अब देखिए मे का एग्जाम्पल, मे का एग्जाम्पल देख लेते हैं, मे के एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल के लिए कोई वर्ड है, फेड, क्या है, फेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फेड बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा साउंड खिंचा रहा है ना, हम लंबा साउंड ले रहे हैं, तो लॉन्ग अगर लॉन्ग वॉवल साउंड ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, आपको हेवी डॉट से डिनोट करना है, क्या है? मैंने लाइन खींचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मे फेड, मे फेड, यहाँ पे एक वॉवल साउंड आ रहा है, मतलब इससे कनेक्ट कीजिए इसको, ठीक है, कनेक्ट करना सीखे, आइडेंटिफाई करना सीखे, कौन से वर्ड में कौन सा वॉवल साउंड निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा समझ में तो आप आगे मत बढ़िएगा। यहाँ पे एक साउंड निकल रहा है, फेड फेड फेड, है ना, तो क्या करना है आपको, सेकेंड प्लेस है ये, कौन सा प्लेस है, सेकेंड प्लेस है, तुरंत कंडीशन देखिए कहाँ पे, कंडीशन ऑन द लाइन, किसको ऑन द लाइन रखना है, हमेशा फर्स्ट स्ट्रोक को ऑन द लाइन रखेंगे, ये एफ को ऑन द लाइन रखे और क्या कीजिएगा, डी को चुपचाप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये ऑन द लाइन रखे। उसके बाद वॉवल कहां लगाना है आपको, एफ के बाद आ रहा है, ए का साउंड किसके बाद आ रहा है, एफ के आफ्टर आ रहा है, तो यहां पे और डॉट कौन सा लगना है, हेवी, मे किस में आ रहा है, ए का साउंड किस में आ रहा है, आपका हेवी में आ रहा है, तो यहां पे क्या कीजिए, आप हेवी डॉट लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको वॉवल अटैच करना सीखना है और कंडीशन को अप्लाई करना सीखना है। मैं इसको इरेज करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल है ई का, किसका एग्जांपल है,
ए का। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इल, है ना, एग्जाम्पल के लिए हम ले लिए इल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई का जो साउंड आ रहा है वो एल के बिफोर आ रहा है, एल के बिफोर आ रहा है, तो वाउल जी किसके लगेगा, एल के बिफोर लगेगा वाउल, ठीक है। ये लाइट डॉट है ना, ये लाइट डॉट की कैटेगरी में आ रहा है एल। कंडीशन क्या बोलता है थर्ड प्लेसिंग का, थ्रू द लाइन, तो किसको आपको थ्रू द लाइन रखना है, आपको एल को थ्रू द लाइन बना देना है, चुपचाप एल को थ्रू द लाइन बना देना है। और वाउल कहाँ लगाना है, ई का, एल के बिफोर आ रहा है, तो एल का बिफोर पार्ट ये हो गया, आफ्टर ये हो गया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये थ्री नंबर की कंडीशन है। देखिए थ्री नंबर में आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा डॉट लगाना है थर्ड प्लेसिंग में, क्योंकि वन टू थ्री थर्ड प्लेसिंग का वाउल साउंड है, तो थर्ड में लगा दिए और उसको थ्रू द लाइन इसलिए रखें क्योंकि इसकी कंडीशन बोलती है कि आपको थर्ड प्लेसिंग के वाउल साउंड को कहाँ रखना है, थ्रू द लाइन रखना है, इसलिए हमने क्या किया, थ्रू द लाइन रखा। अच्छा बच्चों, अगर हम इसमें एग्जाम्पल के लिए कोई लेते हैं ली, है ना, ली, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ ली ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, ये वी का एग्जाम्पल है ना, ये जो एग्जाम्पल है ये वी का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे हैवी साउंड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी, ली बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे वी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ली आ रहा है, क्या आ रहा है, ली आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो वाउल साउंड एल के बिफोर प्लेसिंग में यहाँ पे लगाया था, आपको क्या करना है, आफ्टर प्लेसिंग में लगाना है। जो यहाँ पे साउंड यहाँ पे डॉट लगाया था, आपको क्या करना है, एक हैवी डॉट डॉट आफ्टर में लगा देना है, तो ये ली हो जाएगा और ये इल हो जाएगा, ये ली हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को समझना है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कंडीशन को अप्लाई करना है और कैसे उसमें वाउल को अटैच करना है। ये था बहुत बड़ा खेल, अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग करना सीख रहे थे, ज्वाइनिंग तक आप लोगों के लिए छूट था कि कैसे, ज्वाइनिंग तक बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या था, छूट था, लेकिन वाउल स्टार्ट होने के बाद ये सारी कंडीशन को वहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे सारे टेबल्स को मिटा रहा हूँ, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एग्जांपल को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मैं इरेज कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, आपको मिक्स एग्जांपल दूंगा, क्या करूँगा, जिस किसी को भी लगता है कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि सर यहाँ पे मुझे ये डाउट है। एक चीज़ दोस्तों मैंने आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितने लोग टेलीग्राम में मेरे साथ ग्रुप में ऐड हैं, आजकल वो लोग का कमेंट आना बंद हो गया है, ठीक है। तो जाके ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो आप लोगों को कमेंट करके बिल्कुल नहीं बताना है कि सर कैसा गया वीडियो, आप लोग अपना रिव्यू वहाँ पर भी दीजिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, किस टाइप की हमारा टेक्निक है। बिल्कुल जाके आप वहाँ पर क्या कीजिए, रिव्यू दीजिए, है ना, स्पेशली किरण हो गई, रोमा, ये सारे जो जितने हैं, अनीता, सारे के सारे, निखिल हो गए, निखिल जो भी क्या नाम है, कुलदीप, यार जाकर के सारे आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे कमेंट दीजिए, आप लोग वहाँ पे कमेंट देना भूल गए हैं, राइट। तो कंटिन्यू कीजिएगा वहाँ पे। अब देखिए मैं आप लोगों को मिक्स एग्जांपल बता रहा हूँ, मिक्स एग्जांपल क्या है, कहने का मतलब मैंने आप लोगों को अभी तक जो दैट पेन इज, जो जिस वाउल साउंड को मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया ना, ठीक उसी कैटेगरी का एग्जांपल आप लोगों को मैं मिक्स करके दूंगा, फर्स्ट प्लेसिंग का भी रहेगा, सेकंड प्लेसिंग का भी रहेगा, थर्ड प्लेसिंग का भी रहेगा, बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, डॉट वाउल साउंड्स के ये एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। ये मिक्स एग्जांपल हो गया है, ये मिक्स एग्जांपल्स हो गए। आप लोगों को क्या करना है, ये होमवर्क रहेगा, ये क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को इसको करके दिखाना है टेलीग्राम चैनल में, मेरे ग्रुप में क्या करना है, आप लोगों को करके सेंड करना है। अब वन बाय वन क्या करूँगा, मैं एग्जांपल्स को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका मेरे को आउटलाइन बना करके दिखाना है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी टेक्निक बताया है उसी टेक्निक से देखेगा। मिक्स एग्जांपल बता देता हूँ, नंबर नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट एग्जांपल लिखूंगा, फैनी, हैच, एटना, टेल, रेड,
पार्ट, कैश, कैश से बन सकता है कैशियर, ये भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। एरियर, ये भी आप लोगों को करना है। कैप, ये भी आप लोगों को बनाना है, ठीक। अब देखिए ये हो गया पैड, लेट, ऐसे, ठीक। अब क्या वर्ड है, एनफ, एनफ, ठीक। ये हो जाएगा चेक। इसके सारे के आउटलाइन मुझे आप लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे, मेरे साथ साथ क्या करते जाइए आप लोग लिखते जाइए, नहीं तो पीछे हो जाएंगे आप लोग। डेक, ये सी है ना, इसको सी कर लीजिए, डेक। बैट, इट, ईट, चुन चुन के एग्जाम्पल आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे लेके आया है, इसको आप लोगों को करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इटली, इटली नहीं बोलते इसको, इटली बोलते हैं, ठीक है। जब खास बात ये है, शॉर्ट हैंड को करने से जो थोड़े बहुत हमारे वॉवल्स के जो मिस्टेक होते हैं ना, वो सही हो जाते हैं। क्या होता है ना दोस्तों, कि हम जब अलग अलग स्टेट में बोलियों का प्रभाव रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सुंदर और रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे कि मेरा नाम वैभव है, ठीक है। वैभव क्या है, वैभव प्लेसिंग आ रही है ए के, फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवल साउंड है मेरा वैभव, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेज में, अगर हम जाते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में जाते हैं, एमपी में अगर चले जाएँ, मेरा एक फ्रेंड है पवन, वो मुझे क्या बोलता है, बेभाव सर, बेभाव सर, बेभाव, बेभाव। कई कई जगह ना वै का प्रोनाउंसिएशन वो सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो ये क्षेत्रीय भाषाओं का खेल रहता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत क्या करेगा, मिसमैच करेगा जब आप वॉवल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि सर इसको तो फर्स्ट प्लेसिंग में होना चाहिए, इसको तो सेकेंड प्लेसिंग में होना चाहिए, इसको थर्ड प्लेसिंग में क्यों रखें। ये मन में आप लोगों का डाउट आएगा, क्योंकि वॉवल का जो साउंड होता है वो उसमें बोलियों का प्रभाव पड़ जाता है, उसकी वजह से क्या करता है, वो थोड़ा सा वैरी करता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है, ठीक है, साउंड को। लेकिन आपको क्या करना है, पिटमेंट शॉर्ट हैंड में जो मेथड दिए हुए हैं, जो वॉवल चार्ट दिए हुए हैं, जैसा मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना है आपको, इसके स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं, करेक्ट है। चलिए यहाँ से अपन क्या करते हैं ना, हाँ ये देखिए यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग ना कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ठीक है। इसको क्या करूँगा मैं, लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, इससे क्या होगा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा इतना, इतना हो गया। अब लिखिए आप लोग इन, डबल एन नहीं बनाएंगे इसमें आप लोग, ठीक है। घी, घी हो गया। और ये हो गया आप लोगों का नी, ये की, और हो जाएगा पाम, बाम, काम, ठीक। ये हो जाएगा आम, ये आर्मी, ठीक। आर्मी से आर्मर भी बना सकते हैं आप लोग। इसको मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ, ये हो जाएगा हमारा बात, ठीक। बात का मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिया था, बाबर, बाबर का भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो अब इसको क्या करना है आपको, वॉवल के हिसाब से, प्लेसिंग के हिसाब से जमा करके लिखना है, बाबर, ठीक है। और क्या था, शॉप, शॉप, आर्क, आस्क, ठीक।
पेड रेड। और अच्छी बात यह है कि मैंने आप लोगों को ज्वाइनिंग में जो एग्जांपल दिया था ना, रिपीटिंग विपीटिंग वाला जो सारा कुछ दिया था, इसके पहले जो 90 वर्ड्स दिए थे, आप उसको भी इस वॉवल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अरेंज करके, कंडीशन के हिसाब से, वॉवल के हिसाब से अरेंज करके, प्लेसिंग बता करके उसको मुझे आउटलाइन बना करके दिखाएगा, जितने मैंने 90 वर्ड्स दिए हैं आप लोगों को सभी के सभी, ठीक है। ये उसके अलावा है, 90 वर्ड्स को तो आप लोगों को करना ही है, जो प्रीवियस 90 वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को, जितने प्रीवियस 90 वर्ड्स मैंने आप लोगों को दिए है ना, उसके मेरे को क्या करना है, आपको उसमें वॉवल अटैच करना है और उसके प्लेसिंग के हिसाब से उसकी आउटलाइन बना करके दिखाना है मुझे, आप लोग दिखाएंगे, ठीक है, राइट। मेन जेल रेल ठीक हेड हेड बेल नेम नेमली, ये भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल पहले करवा चुका है। बेट बैट ठीक है, बेल ठीक बेल, और क्या करना है आप लोगों को, मी ठीक, और क्या करना है एग्जांपल में, पैक रैक, कई लोग इसको रैक भी बोलते हैं, रैक भी कर सकते हैं, जैसा साउंड निकालेंगे वैसे इसका आउटलाइन बनेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐप अर्थ 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 ठीक, एप एज एज, एग टी ले रे ठीक है, इतने हो गए आप लोगों के। देखिए आगे के एग्जांपल में और करवा देता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ जो जगह खाली है यहाँ पे भी मैं इसको फेल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा एब, एब बोलते हैं ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जे दे हे मे यहाँ पे लिखे अटैच अटैच ठीक, एफ आर वे एक ठीक है। दोस्तों इतने एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को लिखा दिए, 90 वर्ड्स को तो आप लोगों को करना ही है, और ये कितने वर्ड्स हैं इसको काउंट कर लेते हैं एक बार हम लोग, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये टोटल 68 एग्जांपल्स है। कितने हैं ये, अराउंड 68 एग्जांपल्स हैं, मुझे इसके सारे के आप लोग वॉवल अटैच करके दिखाएंगे, ठीक है। ये कितने हैं, अराउंड 68 एग्जांपल के आसपास है, इसके मेरे को आप लोगों के आउटलाइन बने होने चाहिए, और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, लगता है कि ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो यार पहुंचाइए, ठीक है। ये मत बिल्कुल सोचिए कि
अगर मैं इस वीडियो को किसी और लोगों को भेज दूंगा, अपने सर्कल में किसी फ्रेंड को भेज दूंगी या भेज दूंगा तो मुझसे आगे बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी, तो इस तरीके का धारणा, इस तरीके की सोच से हमको बहुत आगे जाना है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए बातों को जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, और जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।